हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दिस इज अ मिड मार्केट अपडेट। आज 11 नवंबर है एंड हम लोग बात करेंगे कि अभी मार्केट में क्या हो सकता है, बचा कुचा जो भी हुआ है और अब तक क्या हुआ है। तो ओवरऑल गाइस, कल सीपीआई के डेटा आए जिसके अकॉर्डिंग यूएसए मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है। नैसडैक आई थिंक 6% का उसने मूव दिया फॉर दी अपसाइड, विच इज वेरी वेरी बिग। एज कम्पेयर टू दैट, हमारे इंडियन मार्केट्स आर ट्रेडिंग फेयरली, मतलब बहुत ज्यादा बुलिश भी नहीं है, बट हाँ ऐसा है कि ठीक ठाक होल्ड कर रहे हैं। 1.5% निफ्टी अप है। अब स्टार्टिंग में हुआ क्या कि निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत अच्छा अप खोले, बट वो अपनी जो स्ट्रेंथ थी उसको होल्ड कर नहीं पाए। ठीक है, बैंक निफ्टी अपने हाई से 300-350 पॉइंट गिरा, और जो मैंने कल का आपको लेवल बताया था 41,950 का, वो लेवल वहां पर प्ले आउट करने को आया। अब यहां पर गाइस इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 41,950 पर क्या हुआ, ये मैंने आपको टेलीग्राम के अंदर डाला था, तो थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि गॉट रिजेक्टेड, ठीक है, बैंक निफ्टी का ये रिटेस्ट आ गया यहाँ पे, मोस्ट क्रूशियल लेवल ऑफ द डे। ठीक है, इफ इट बाउंसेस कैन इजीली 250-300 पॉइंट्स गिव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट, इफ इट फेल्स तो 41,700। बट हमारा ओवरऑल बायस जो है, वो जो लोग वीडियो देखते हैं उन लोगों को रोज पता है कि हमारा ओवरऑल बायस बुलिश है। मेरा आज का बायस साइडवेज था, बट सीपीआई के डेटा ने वो सब चेंज कर दिया। जब हमको हमारा ब्रेकआउट लेवल मिल गया तो उसके बाद फिर बायस हमारा बुलिश ही था। वहां से हम लोगों को अभी तक 200 पॉइंट्स का बाउंस देखने के लिए मिला है। आई थिंक प्रीमियम के अंदर हम लोगों ने इसी रीटेस्ट पर हम लोगों ने एक लॉन्ग लिया था, हमने एक ट्रेड लिया है जो कि हमारी आई थिंक 20% प्रॉफिट में चल रही है। आज फ्राइडे का दिन है तो इतना ज्यादा मूवमेंट मिलता नहीं है, बट ओवरऑल जो 41,950 का लेवल है वो इट हैज स्टूड, ठीक है, सो फार। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों को क्या चीज देखनी है कि ये जो ऊपर वाला हाई है ये कैसे भी करके कटना चाहिए। पहले तो हमारे पास अभी जो लोकल हाई बना है 42,150 का, उसके बाद 42,240, ये जो दो हाई है ये हमारे पास अब यहां से कटने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं कटे तो फिर से ये 41,950 को टेस्ट करेगा, और उसके पास कंसोलिडेट अगर करता है तो नीचे टूटने के चांसेस बन जाएंगे। बट एज ऑफ नाउ जो मेरे को लगता है वो यही लगता है कि 42,150 ऊपर टूटेगा, 42,240 आएगा और 42,240 भी टूटेगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो मार्केट है बाय ऑन डिप्स ही है मेरी तरफ से। अगर कोई डिप मिलेगा भी तो मैं उसमें बाय करना प्रेफर करूंगा, मैं किसी भी लेवल से शॉर्ट नहीं करूंगा, किसी भी लेवल के नीचे शॉर्ट नहीं करूंगा। बट कोई भी डिप मिलेगा मेरे को अच्छा तमीज का बड़ा सा डिप, तो उसको मैं बाय करना ही प्रेफर करूंगा। सिमिलरली गाइस निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी यहां पर एक ट्राइंगल जैसा पैटर्न सा बना रहा है, वट एवर दिस इज। मेरा जो रेजिस्टेंस था 18,330-340 का था, मैंने आपको टेलीग्राम में बता दिया था सुबह, वहां से हम लोगों को मार्केट गिरता हुआ देखने को मिला। आई थिंक 50 पॉइंट्स के आसपास वहां से हमको फॉल देखने के लिए मिला। ठीक है, 50 पॉइंट्स देखने को मिला। अब निफ्टी के अंदर अगर कोई ट्रेड बनेगा तो इस हाई के ऊपर ही बनेगा, क्योंकि निफ्टी एक रेंज के अंदर है। बैंक निफ्टी फिर भी वॉलेटाइल है, निफ्टी अपने टॉप से 50 पॉइंट गिरा और उसी रेंज 50 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है, वो रेंज का हाई टूटेगा तो वहां पर बहुत अच्छी ट्रेड बनेगी। अदरवाइज आप लोगों को आई थिंक निफ्टी से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि निफ्टी थोड़ा सा ऑड भी बिहेव कर रहा है। कल आप लोगों ने देखा होगा कि निफ्टी के अंदर वीकनेस बहुत ज्यादा बड़ी थी और बैंक निफ्टी के अंदर इतनी अपेरेंट नहीं थी। उससे पहले आपने देखा होगा स्ट्रेंथ थी बट उतनी ज्यादा नहीं थी एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर है, डिस्कवरी जोन है, ऊपर वाला जो क्लाउड है वो एज अ मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है प्राइस एक्शन को, तो मेरे अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी इज अ सेफर ऑप्शन टू ट्रेड राइट नाउ। ठीक है गाइस, तो दैट्स प्रीटी मच इट। जो कोई भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एंड इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय, पीस आउट।